टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट फाइनली लॉन्च हो गई और हर कोई वेट कर रहा था इसकी प्राइसिंग का। फाइनली प्राइसिंग आ गई है। दोपहर में प्राइसिंग आई थी, अभी बज रहे हैं रात के 10। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिएटिव वेरिएंट और टॉप वेरिएंट द फियरलेस। लेकिन ध्यान रखिए, ये है क्रिएटिव प्लस वेरिएंट और ये है फियरलेस प्लस एस वेरिएंट। प्राइसिंग जो है कंपनी ने थोड़ी सी कंफ्यूजन दी, क्योंकि मैनुअल का तो दे दिया था लेकिन ऑटोमेटिक का नहीं दिया था, तो हमने अपनी तरफ से कैलकुलेट किया और उनकी प्राइसिंग लिख दी। तो आपके लिए प्राइसिंग लिख देता हूँ। क्रिएटिव के 5 वेरिएंट्स आते हैं, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल, 6 स्पीड AMT, 7 स्पीड DCA, डीजल में 6 स्पीड मैनुअल और आपको डीजल में ही मिल जाता है 6 स्पीड AMT भी। और इधर इस तरफ देखेंगे तब आपको मिल जाती है 4 ऑप्शंस, 6 स्पीड मैनुअल, 7 स्पीड DCA इन पेट्रोल, डीजल में देखेंगे तो 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT। अब सबसे चीज़ पता क्या है, बहुत ही रेयर होता है वैसे कि टॉप वेरिएंट में नहीं, टॉप से एक नीचे वाले वेरिएंट में 3 ऐसी चीजें हैं जो कि टॉप वेरिएंट में है ही नहीं। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट डिटेल में देखें, मैं बताऊंगा आपको फाइनल में कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, कहां से लेना चाहिए, और इतना ही नहीं मैं ये भी बताऊंगा कि इनकी ऑन रोड प्राइसेस आपको कितनी पड़ने वाली है। तो आपका काम है वीडियो को एंड तक देखना, मेरा काम है सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना। इनफैक्ट एक ऐसा फीचर है जो सेफ्टी में भी डिफरेंस लेके आता है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के साथ। सबसे पहले प्राइसिंग आपने देख ली, कैसी लगी आपको प्राइसिंग नीचे कमेंट करके बताना, और आपके लिए इतनी मेहनत करते कार गाइड टीम के लिए एक लाइक तो बनता ही है। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। फ्रंट में अगर आप स्पेसिफिकली थोड़ा पास आओगे, अगर आपको मैं क्रिएटिव प्लस वेरिएंट दिखाऊं तो अब आपको मिल जाते हैं LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ये आपको बेस वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाते हैं। दैट्स अ रियली गुड थिंग। साथ में मिल जाते हैं आपको फ्रंट में 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स जो है वो भी प्रोवाइडेड है, और स्किड प्लेट अगर आप देखेंगे इसकी तो व्हाइट कलर मिल जाता है बिकॉज इसमें आपको व्हाइट रूफ मिलती है, उसी तरीके से कॉन्ट्रास्ट रखा गया। अब ये है डेटोना ग्रे कलर, इसमें आपको अलग अलग कलर ऑप्शंस मिल जाती हैं, इसमें व्हाइट नहीं आता, इसमें आपको और ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि ओशन क्रिएटिव वाला जो आता है, क्रिएटिव ओशन, जो कि इसी वेरिएंट के लिए स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिव रखा गया, टॉप वेरिएंट में वो नहीं है। यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्लेम रेड मोनोटोन में भी और वाइट रूफ के साथ भी, मिल जाता है आपको ये डेटोना ग्रे मोनोटोन में भी और वाइट रूफ के साथ भी। तो उस वैसे ये वेरिएंट काफ़ी स्पेशल हो जाता है, इंटीरियर भी काफ़ी डिफरेंट है वैसे उन दोनों का, और इसका ज़्यादा अच्छा लगता है, बताऊंगा क्यों। फ्रंट में आपको मेजरली यही चीज़ दिखेगी यहाँ पर। अब एडिशन की अगर हम बात करें तो इस वेरिएंट में यानी कि टॉप वेरिएंट में एडिशनली आपको मिल जाते हैं फॉग लैंप्स, वो भी कॉर्निंग फंक्शन के साथ, जो कि आपको कहना कि उस गाड़ी में मिसिंग लगेंगे। और साथ में बताना चाहते हैं एक छोटा सा और फीचर का फर्क जो पड़ता है, वो पड़ता है स्किड प्लेट आपको यहाँ सिल्वर देखने को मिल जाती है, और एक और कि जो LED आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, दोनों में LED DRL सिक्वेंशियल मिलेंगे टर्न इंडिकेटर्स, बट ये आते हैं वेलकम फंक्शन के साथ और गुड बाय फंक्शन के साथ, जो कि उसमें नहीं है। इसमें टेल लैंप्स हो चाहे फ्रंट हो, इसमें वेलकम और गुड बाय फंक्शन आपको ऑफर किया जाता है। तो ये फर्क आया था थोड़ा सा इनके फ्रंट में, और कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। फीचर्स वाइज दोनों ही काफ़ी सिमिलर है, सिर्फ उनका फर्क मुझे लग नहीं रहा। फॉग लैंप्स का भी थोड़ा सा फर्क है, लाइट में थोड़ी सी ये बेटर हो जाए, लाइक रात में इसकी लाइट थोड़ी बेटर हो जाती है फॉग लैंप्स की वजह से, कॉर्नरिंग में डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करती है। बट हाँ ठीक है, कंक्लूजन बाद में बताएंगे कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, ये तो आप एंड तक थोड़ी देखोगे वीडियो, हमारा काम होता है आप एंड तक वीडियो जरूर देखो। अगर हम बात करें इसके साइड प्रोफाइल में, यहाँ पर आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे कि जो रूफ रेल्स हैं वो तो चलो वैसे ही मिल रहे हैं, बट रूफ जो है वो मिल जाती है अलग। अब यहाँ पर आपको फियरलेस अगर वेरिएंट आप परचेज करते हो तो ड्यूल टोन ऑप्शन ही मिलेगी, मैं उसमें आपको मोनोटोन ऑप्शन नहीं मिलती है। तो ब्लैक रूफ के साथ ही सारे कलर्स मिलेंगे, चाहे वो प्रिस्टीन व्हाइट, फ्लेम रेड, साथ में मिल जाती है आपको एक फियरलेस पर्पल और डेटोना ग्रे भी। ब्लैक आपको ओवरविम टर्न इंडिकेटर्स वैसे ही, रूफ रेल सिल्वर फिनिशिंग के साथ ब्लैक आपको पूरा मिलेगा। ए पिलर एलॉय व्हील्स आपको 16 इंचेस के मिल जाते हैं, लुक्स वेरी गुड। डिस्क ब्रेक मिल जाएगी 208mm की ग्राउंड क्लियरेंस से। बॉडी कलर आपको स्किड प्लेट मिल जाती है, ड्रम ब्रेक अनफॉर्चुनेटली पीछे आपको मिलेगी। यहाँ पर एक स्टिकर मिल जाएगा इसकी 50 लाख कार्स का, जो कि 25 साल से टाटा कंपनी ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से अपनी बेची है। कीलेस एंट्री के साथ आपको रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर साइड पे, को ड्राइवर पर नहीं, ध्यान जरूर रख लें। बड़ा शॉक फिन इंडीना ब्लैक कलर का ही, स्पॉइलर पीछे ब्लैक कलर तक आता आपको नजर आ जाएगा। तो ये होगी इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल, लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। एक तो आपको जो रूफ है वो आपको व्हाइट मिलती है, हालांकि ए पिलर जो है वो आपको कंप्लीट ब्लैक ही मिलेगा। सिमिलर चीज़ें भी साथ साथ बताता रहूँगा कि 360 डिग्री कैमरा के जो कैमराज है दोनों जगह मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको LED टर्न इंडिकेटर तो मिल ही रहा है, अलॉय व्हील्स भी सेम है, डिस्क ब्रेक भी सेम है, स्किड प्लेट भी सेम है, और स्कर्टिंग क्लैडिंग भी सेम है, और साथ में पीछे भी सेम है। फर्क जो मेजर आता है वो आता है इसके रूफ का, साइड में आपको मेजर फर्क यही देखने को मिलेगा। LED टेल लैम्प, टाटा का बड़ा लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा, बड़ा स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना आपको ब्लैक कलर का ही मिलेगा, चाहे आप इसका व्हाइट रूफ वाला वेरिएंट ले रहे हो, नेक्सॉन का बड़ा सारा बैज, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दो आपको मिलेंगे, रिफ्लेक्टर लेफ्ट वाला ही है यहाँ पर, सॉरी रिवर्स लाइट लेफ्ट वाली ही है, यहाँ पर सिर्फ एक रिफ्लेक्टर है, उधर भी रिफ्लेक्टर आपको मिलेगा, और साथ में कैमरा मैंने बता दिया व्हाइट कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है। लेकिन डिफरेंस आया था थोड़ा सा, उधर चल के दिखाता हूँ, आ जाओ। हिडन वाइपर और वॉशर तो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पर इंटीग्रेट किया है, बट
डीफॉगर्स आपको फियरलेस में मिलते हैं। तो ये एक सेफ्टी का बहुत बड़ा फीचर है। मुझे लगता है कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आपको प्रॉपर डीफॉगर्स यहाँ पर मिलने चाहिए थे, एटलीस्ट प्योर वेरिएंट से। चलो बेस में स्मार्ट में नहीं है, समझ आता है, बट प्योर में तो डीफॉगर्स होने चाहिए थे। कॉस्ट का इतना फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन सेफ्टी में ये डीफॉगर्स सर्दियों में बहुत काम आते हैं। प्लस स्किड प्लेट अगर आप देखोगे यहाँ मिलेगी सिल्वर फिनिशिंग की। अगर हम देखते हैं उसका डेटोना वाला यानी कि क्रिएटिव प्लस वेरियंट, जहाँ पर वाइट रूफ मिलती है, तो वाइट ही आपको स्किड प्लेट ऑफर की जाती है। अब एक और फर्क आपको दिखाना चाहता हूँ, रियर के पार्ट में ही आ जाता है कि यहाँ पर तो आपको 60-40 रेशो मिल रही है, बड़ी मैसिव बूट स्पेस मिल रही है, बूट लैम्प भी है, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर प्रोवाइडेड है, और साथ में हुक्स मिल जाते हैं आपको पीछे सामान रखने के लिए। लेकिन थोड़ी सी जो रियर है उसकी डिफरेंट है, आ जाओ। अब अगर आपने टॉप वेरिएंट नहीं लिया तो ध्यान रखिए 60-40 रेशो स्प्लिट सीट नहीं मिलती है, और यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट भी नहीं मिलेगा। बूट लैम्प जरूर मिल जाता है, अभी बैटरी डाउन है तो ये ऑन नहीं है, बट वो आपको मिलेगा, और साथ में हुक्स भी मिल जाएंगे। दो फीचर्स जो बूट में नहीं है वो है 12 वोल्ट का सॉकेट और 60-40 रेशो स्प्लिट सीट। ये चीज़ मुझे ज़्यादा बुरी लगी, 12 वोल्ट का सॉकेट तो चलो कोई बात नहीं। अगर क्रिएटिव वेरिएंट की इंटीरियर की बात करें तो ऑल वाइट आपको मिल जाता है, यहाँ पर भी बेज फिनिशिंग मिल जाएगी, क्रोम डोर हैंडल्स तो मिलते हैं, थोड़ा लाइट ट्रीटमेंट आपको डोर साइड पे मिलेगा। 6 स्पीकर सिस्टम है तो 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स, जबकि ट्विटर जो है वो आपको ए पिलर पे दिया गया है। 6 एयरबैग्स तो आपको स्टैंडर्ड ही मिलते हैं सारे वेरियंट्स में। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, फैब्रिक की सीट्स मिल जाती है जिनकी कुशनिंग तो बहुत अच्छी है, बट फैब्रिक की क्वालिटी मुझे थोड़ी डिसेंट सी ही लगी है। इलिमिनेटेड लोको जो है आपको टाटा का मिलता है, अभी यहाँ तो बैटरी खत्म हो गई तो मैं अनफॉर्चुनेटली अच्छे से दिखा नहीं सकता, बट हाँ ये है कि जो ये लोगो थोड़ी सी है, ये जो लोगो है ये आपको बेस वेरिएंट से मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 7 इंचेस के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है, जो कि हमने टाटा हैरियर और सफारी में देखा है, जिसका लुक इज डिसेंट। ऑब्वियसली अगर आप फियरलेस का देखते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट इस सेगमेंट में डिजिटल बड़ी क्लस्टर इतना बड़ा मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। बेज कलर आपको यहाँ भी मिल जाएगा, ऊपर सिल्वर फिनिशिंग है, और अगर इंटीरियर में अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बेज लेदर ही मिलेगा। पैडिंग नहीं है, है प्लास्टिक ही, बट ठीक है, लुक्स गुड। पुश-स्टार्ट स्टॉप बटन ऑब्वियसली इसमें ऑफर किया जाता है। वाइट फिनिशिंग आपको यहाँ पर भी मिल जाती है, और साथ में आपको टिल्ट एडजस्टमेंट स्टेयरिंग में ऑफर की जाती है, अगर देखें तो टिल्ट आपको मिल जाता है। ओके, डेड पेडल किसी भी वेरिएंट में नहीं है, चाहे ऑटोमेटिक लो चाहे मैनुअल हो, तो थोड़ा बुरा, ऑटोमेटिक में शायद है, मैनुअल में तो किसी में नहीं है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें। तो क्रूज कंट्रोल यूज़ करेंगे तो आपको पैर नीचे रखोगे, डेड पेडल की जगह नहीं रख पाओगे। उसके अलावा फीचर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो ऑटो डिमिंग IRV हमें, LED लाइट्स आपको अंदर मिल जाती हैं, सनरूफ नहीं मिलेगी। अगर आप क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट लोगे तो आपको सनरूफ ऑफर की जाती है, उसकी प्राइस अभी तक कंपनी ने अभी हमारे सामने नहीं लेके है, जब उसकी प्राइस आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। 10.25 इंचेस की बड़ी स्क्रीन तो मिल जाती है, बट बेजल्स काफ़ी मोटी, इस चीज़ का ध्यान रख लें, बट इतना फर्क नहीं लगता, मतलब ठीक है, डिसेंट है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब आपको मिलेगा, टच बेस यहाँ पैनल्स भी मिल जाएंगे। अब क्योंकि फॉग लैंप्स नहीं है, रियर डिफॉगर नहीं है, तो वो आपको नहीं मिलेगा, उस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें। और साथ में ड्राइव मोड्स तो आपको बेस से मिल जाएंगे, यहाँ पर प्लेसिंग अच्छी की गई है, कप होल्डर्स अच्छे आ जाते हैं, बट आमरेस की कमी आपको थोड़ी सी महसूस यहाँ होगी, पता नहीं इतनी कॉस्ट बचनी नहीं थी, आमरेस लगा ही देते तो काफ़ी कंफर्ट ऐड हो जाना था। फीचर्स की बात करें तो मिरर मिल जाता है आपको यहाँ पर, लाइट आपको यही मिलेगी, वैनिटी के साथ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और यहाँ पर सिर्फ टिकट होल्डर है। ग्लव बॉक्स में फिर भी आपको सॉफ्ट ओपनिंग ग्लव बॉक्स है, कूल्ड आपको मिल जाएगा, और साथ में ट्रे भी मिल जाती है सामान रखने के लिए, तो स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यूटिलिटी के लिए टाटा काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहता है। उसके अलावा आपके लिए ना एक बार एक लिस्ट लगा देता हूँ, अच्छी खासी लंबी सी लिस्ट लगा देता हूँ, क्रिएटिव वेरिएंट में क्या क्या मिलता है, जहाँ पर स्मार्ट के फीचर्स भी थोड़े से होंगे, प्योर के भी होंगे और क्रिएटिव के भी होंगे, बिकॉज क्रिएटिव में तो सारे मिलेंगे ना। और फियरलेस की जब बात करेंगे तो फियरलेस की लिस्ट लगा दूंगा। रियर में कंफर्ट इज़ गुड, बिकॉज देखो सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है, इन सीट्स को एक्सटेंड भी किया गया तो अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छी मिल जाती है, हेडरूम भी आपको डिसेंट मिल जाता है। माय हाइट इज़ 5'9", हेडरेस्ट थोड़े छोटे लगते हैं, बट आगे के लिए जब कंफर्टेबल है, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो व्यू ज़्यादा मिल रहा है ना, तो व्यू काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। रियर एसी वेंट्स हैं, बट USB पोर्ट्स किस तरह के नहीं है, ना ही कोई 12 वोल्ट सॉकेट, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें, मतलब 12 वोल्ट का सॉकेट सिर्फ आगे है, ना इधर है ना बूट में है, तो उस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। आर्मरेस्ट नहीं मिलती, दो हेडरेस्ट मिलेंगे, सीट्स का फैब्रिक काफ़ी अच्छा लगता है और सीट्स की क्वालिटी अच्छी है, बट थोड़ा सा क्योंकि है हम्प तो ज़्यादा, तीन लोग तो ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे, थोड़ा लड़ेंगे कि भाई मैं इधर आया तो मैं उधर आ जाता हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी एक चीज़ की कमी जो बड़ी महसूस होती है वो ये है कि पीछे किसी तरह की कोई लाइट है ही नहीं, और कमाल की बात पता क्या है, किसी भी वेरिएंट में नहीं है। दो तीन फीचर ना नेक्सॉन में ऐसे हैं, जैसे रियर में डिस्क ब्रेक्स नहीं है, यहाँ पर लाइट नहीं है, इस वेरिएंट में आपको डीफॉगर नहीं है, 60-40 रेशो स्प्लिट नहीं है, तो ये थोड़ी सी बुरी चीज़ें लगती हैं मुझे।
इंटीरियर फटाफट से कर लेते हैं तो ऑल ब्लैक आपको इंटीरियर मिलेगा, ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग यहाँ, डोर क्रोम हैंडल्स यहाँ पर, अम्ब्रेला के लिए अलग से यहाँ पर अंदर होल्डर दिया गया, बड़ी बॉटल आराम से रख सकते हो। थोड़ा अंदर की तरफ आओगे तो लेदर एट सीट्स मिल जाती है जिनकी क्वालिटी रियली रियली गुड, कुशनिंग बहुत अच्छी प्रोवाइड की गई है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मैनुअल है, लेकिन वेंटिलेटेड सीट से आपका कम्फर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ में आपको मिल जाते हैं 9 स्पीकर सिस्टम JBL की तरफ से, दैट्स जस्ट अमेजिंग। 6 एयरबैग्स तो आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं, इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग आपको बेस वेरिएंट से मिल जाता है, यहाँ पर आपको पर्पल फिनिशिंग मिल जाती है बिकॉज इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा आपको पर्पल देखने को मिलेगा, और जो इवन जो सीट्स हैं उसमें भी आपको टच बहुत ज़्यादा यूनिक लगता है, स्टिचिंग बहुत अच्छी तरीके की गई है। पूरा डैशबोर्ड अगर देख रहे हो तो ये ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मिल जाता है। अब फियरलेस वेरिएंट की खास बात ये है कि जो डिजिटल क्लस्टर मिलता है ना, दैट्स जस्ट अमेजिंग। ऐसा इंटीरियर आपको इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं देखने को मिलता। अभी डिजिटल क्लस्टर की क्वालिटी हो, चाहे उसकी एनिमेशन हो, चाहे उसकी ब्राइटनेस हो, इज जस्ट अमेजिंग। सिंपल वर्ड्स में बस यही कहूँगा, दिस इज जस्ट अमेजिंग। और साथ में लेदर रैप फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छा लगता है इसका स्टीयरिंग व्हील, एंड बहुत अच्छी फिनिशिंग भी प्रोवाइडेड है। टाटा में इतनी जब अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाए ना तो दिल खुश हो जाता है। और साथ में टच पैनल कंट्रोल्स पूरे मिलेंगे, 6-speed मैनुअल है, फोर्स चाबी आपको दोनों ही वेरिएंट्स में सेम मिलेंगी, जैसे पुरानी आती थी वैसे ही मिलेंगी। आर्मरेस्ट भी आपको इस व्हीकल में जो है वो ऑफर की जाती है इस वेरिएंट में, वायरलेस चार्जिंग तक आपको यहाँ मिल जाती है, ड्राइव मोड्स तो बेस वेरिएंट से मिलने लग जाते हैं। पर ध्यान रखें कि 6 एयरबैग तो जैसे बेस में मैंने बताया ऑटो वायर भी है, लेकिन ऑल ब्लैक इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है, बट थोड़ा सा टाइट भी लगता है एज कम्पेयर टू लाइट कलर, बस वो फील ऐसी देता है, ऑब्वियसली डायमेंशंस तो सेम ही है। नेक्सॉन में प्रीमियम फीचर एक ये भी है कि आपको सॉफ्ट ओपनिंग वाला ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि कूल्ड भी है, प्रॉपर ट्रे भी बनी हुई है ऊपर भी और नीचे भी, सामान रखना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, लाइट भी है कूल्ड भी है, सामान आप काफ़ी डीप रख पाते हो, इवन पेन होल्डर तक उन्होंने अलग से बनाया, तो दैट्स रियली रियली इनोवेटिव। टाटा की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्टोरेज स्पेसिस में या यूटिलिटी स्पेसिस की बात करें तो बहुत अच्छे से काम किया जाता है। अब हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स भी आपको यहाँ पर, ड्राइवर सीट बेल्ट जो है और को ड्राइवर सीट बेल्ट है वो भी मिल जाती है, इनफैक्ट हाइट एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट भी है। ड्राइवर सीट जैसे 6-way होती है वैसे ये भी 6-way मैनुअली एडजस्टेबल है। अब आजकल हर किसी को एक फीचर चाहिए होता है जो है सनरूफ। कंपनी ने हर वेरिएंट में सनरूफ दिया है, स्मार्ट में भी आप ऐसे ऑप्शनल वेरिएंट ले सकते हो जिसमें सनरूफ मिलेगी, प्योर में भी ले सकते हो, क्रिएटिव में भी ले सकते हो, और वैसे ही टॉप वेरिएंट में तो है ही, और ये बड़ी अच्छे तरीके से ओपन भी होती है। ई कॉल और SOS का बटन जो है वो आपको दोनों मिल जाते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन जब गाड़ी हो जाए तब आप 24 आवर्स कॉल कर सकते हो, एमरजेंसी में करना हो तो तब भी आप इस बटन को प्रेस करो तो कॉल लग जाती है। सनरूफ की ओपनिंग इज ऑल्सो वेरी गुड, हेडरूम भी डिसेंट मिल जाता है यहाँ पर ए यहाँ तक का, और सीट्स की क्वालिटी इज गुड गुड गुड। तो फियरलेस वेरिएंट के ऑन रोड प्राइसेस देखना चाहते हो, सारी और चीज़ें देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो अलग से चेकआउट कर सकते हैं। अब टॉप वेरिएंट लोगे तो फीचर्स तो एक्स्ट्रा मिलेंगे ही ना। आर्मरेस्ट मिल जाती है कप होल्डर्स के साथ जो कि काइंड ऑफ एडजस्टेबल भी है, रबर पैडिंग उस तरीके से प्रोवाइडेड है, बट मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो सकती है, मतलब इसकी एडजस्टमेंट जो है वो थोड़ी लूज हो सकती है, ये ऐसा दिखने में लग रहा है। फीचर्स एक्स्ट्रा में जो बात कर रहा था, टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट फॉर योर फास्ट चार्जिंग, रियर एसीवेंट्स तो है ही, आर्मरेस्ट मैंने आपको दिखा दी ऑलरेडी, और सनरूफ होने की वजह से एक फीचर कम हो जाता है वो है हेडरूम, कंपैरेटिवली हेडरूम थोड़ा कम हो जाता है। पीछे रखोगे सिर अपना पूरा तो फिर भी मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हो इस तरफ अगर आप देख रहे हो तो, और लेकिन अगर आप थोड़ा सीधा और अपराइट बैठोगे तो आप ये थोड़ा सा टकरा सकते हो, तो स्पेशली जैसे मेरी हाइट 5'9" है, जो ज़्यादा लंबे हैं या टर्बन पहनते हैं तो उनको तो यहाँ डेफिनेटली दिक्कत आने वाली है जब वो आके बैठेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप पंजाब से और आपको नेक्सॉन या टाटा हैरियर, नेक्सॉन ईवी अब नहीं आ गई वो लेना चाहते हो, सफारी है, एल्ट्रोज है, टियागो है, टिगोर है, उनमें से कोई भी गाड़ी अगर आप परचेज करना चाहते हो, आपको चाहिए बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस, बेस्ट प्राइजेस भी और जल्दी से जल्दी डिलीवरी, तो कॉस्मो टाटा पे कॉल करना ना भूलें, नंबर्स पे कॉल करेंगे तो आपकी बहुत सहायता की जाएगी। थोड़ा कह भी देना कि ऋषभ की वीडियो देखी थी, उनको भी एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से उनको ये नंबर मिला है, तो कॉल करना ना भूलें। अब करते हैं मुद्दे की बात कि आखिरकार कौन सा वेरिएंट परचेज़ करना चाहिए। तो देखो मेरी माने, एक तो डीजल वाली तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो, बिकॉज उसमें आपको जो 130,000 एक्स्ट्रा देने हैं ना वो थोड़े से चुभते हैं। माइलेज जरूर एक्स्ट्रा मिल जाती है, बट अगेन एक तो डीजल का कोई पता नहीं कब कौन सी स्टेट कह दे कि सिर्फ 10 साल तक चलेगा, रजिस्ट्रेशन उस हिसाब से नए वाले भी होगी, बट स्टिल उसके बाद रीसेल आपकी बहुत कम हो जाएगी अगर आप डीजल परचेज करते हो, तो उस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि रनिंग बहुत ज़्यादा माइलेज सीरियस कंसर्न है आपके लिए तभी डीजल की तरफ जाएं। और इस वेरिएंट में सॉरी इस सेगमेंट में ज़्यादा डीजल कार्स अवेलेबल है नहीं, तो उस हिसाब में नेक्सॉन का डीजल इज वेरी वेरी गुड।
1.5 ऐसे CAD इंजन ह्यूंडई किया के बहुत अच्छे हैं वो भी, बट ये भी अच्छा है। बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें पेट्रोल की, तो मुझे लगता है कि मैनुअल वेरिएंट तक टिके रहे तो सही है। अगर ऑटोमेटिक चाहिए ही और ड्राइविंग ज़्यादा नहीं है, तो मुझे लगता है AMT भी लिया जा सकता है, बिकॉज वो सिर्फ 70,000 एक्स्ट्रा है। DCA के लिए 1,20,000 एक्स्ट्रा देना थोड़ा सोच समझ के ही लगाना, अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल चाहिए तो। अभी भी मैं वही कहूँगा, मुझे लगता है मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट इज दी बेस्ट, वही लो, बेस्ट रहता है, माइलेज भी अच्छी देता है, पावर आपके हाथ में रहती है, ऑटोमेटिक के थोड़े झमेले रहते हैं, मतलब प्राइस भी ज़्यादा देना पड़ता है और मेंटेनेंस भी हाई हो जाती है। और इतने ही नहीं, आपको ऑटोमेटिक हर किसी को आता नहीं, मैनुअल ज़्यादा लोगों को आता है, बट कईयों को ये भी होता है शुरू ही ऑटोमेटिक से किया होता है। तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा सोच के लें, ले सकते हैं, अच्छा है, बट थोड़ा सोच के लें। मैनुअल मेरे हिसाब से दोनों ही वेरिएंट्स में बहुत अच्छा है। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें, क्रिएटिव प्लस पड़ता है 1170 का, ये पड़ता है 13 का, इसका मतलब 1,30,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है फॉर दी टॉप वेरिएंट। इसकी अच्छी चीज ये है कि आपको इंटीरियर ज्यादा स्पेशियस लगता है, लेकिन फीचर्स ऑफ कोर्स आपको इसमें ज्यादा मिल जाते, तो मैं इसकी तरफ ज्यादा जाना ज्यादा प्रेफर करूंगा। बिकॉज बात हो जाती है कि 10% ही तो एक्स्ट्रा देना है, ज़्यादा तो नहीं अमाउंट पे करनी ना, क्योंकि 10% में आपको और बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। लाइट्स का काफ़ी फर्क पड़ जाता है, टॉप वेरिएंट आपके माइंड को बहुत अच्छा सुकून देगा कि टॉप वेरिएंट परचेज किया। डिजिटल क्लस्टर इसका बहुत बढ़िया लगता है, और साथ में वेंटिलेटेड सीट्स गर्मियों में, इवन सर्दियों में भी बहुत काम आती है, और ऑल ब्लैक इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है, और कम्फर्ट आर्मरेस्ट का भी ऐड होता है। मेजर ये, और डीफॉगर भी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट, 60-40 रेशो स्पीड भी आपको बहुत बढ़िया काम दिलाएगी। तो मुझे लगता है टॉप वेरिएंट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, बट हाँ, जिनको वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो वो क्रिएटिव ले सकते हैं। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग दीज टू, बट वैल्यू फॉर मनी सबसे ज्यादा तो बेस 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन 8,10,000 उठा लो, नहीं तो ये भी मैनुअल 6-स्पीड ले लो, ऑटोमेटिक की तरफ मत जाओ, और इसके एडिशंस का वेट भी मत करो, बिकॉज तब तक इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है, टॉप वेरिएंट लो, बेस्ट रहोगे। सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग बोथ दीज कंपैरिजन। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऑन रोड प्राइसेस की हमने डिटेल वीडियो अलग से बनाई है, उसे चेकआउट कर लें, बट फिर भी इन दोनों वेरिएंट्स की ऑन रोड प्राइसेस, ये सारे वेरिएंट्स की ऑन रोड प्राइसेस कुछ मेजर स्टेट्स की लिख देता हूं, अगर आपकी स्टेट इस लिस्ट में नहीं आई है तो एक अलग से वीडियो सारी कंट्री की ऑन रोड प्राइसेस में अवेलेबल है, तो उसे चेकआउट आप कर सकते हैं। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग दीज टू व्हीकल्स, लेटेस्ट है, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताएं, वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।